माई लव्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल दैट बाब गर्ल। दिस इज मी तान्या गुप्ता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज के मीशो हॉल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अफोर्डेबल ड्रेसेस। लाइक सभी ही ड्रेसेस अंडर ₹300 होने वाली हैं। जी हाँ, सारी की सारी ड्रेसेस हैं अंडर ₹300। एक दो ही ड्रेसेस होंगी जो 320-330 के अराउंड होंगी, वरना सभी की ही अंडर ₹300 हैं। एंड बहुत ही ऑसम ड्रेसेस, ऐसा नहीं है 300 रुपीज़ इतनी कम रेंज है तो फिर आप लोगों को क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्वालिटी चीप होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो ही चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा एंड रेंज तो आप लोगों को पता ही है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई हैव दिस ब्यूटिफुल ड्रेस जो पिक्चर में दिखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझे कुछ गर्ल्स के इंस्टाग्राम पर मैसेज आए थे कि दे इस ड्रेस का रिव्यू करिए एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। एंड तो ये ड्रेस कुछ इस तरह से है। मुझे लगता है मुझे मीशो से प्यार होने वाला है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने कम प्राइस में कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रिसीव होने वाली है। अगर आप लोग इस ड्रेस को बाय करने का सोच रहे हो, जिन गर्ल्स ने मुझे बोला था इसका रिव्यू करें, तो आप लोग डेफिनेटली इस ड्रेस के साथ जा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ऑसम क्वालिटी है। फैब्रिक फिट सब कुछ ही ऑसम है, तो आप लोगों को सेकेंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस ड्रेस के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। सो ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये इसका फ्रंट है एंड ये इसका बैक है। अभी आप लोगों में भी नहीं समझ आ रहा होगा, ट्रायल में आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कैसे दिखते हैं। एंड इसका साइज़ मैंने M मंगाया था, हमें मेरे को परफेक्ट फिट हुआ है। फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 10/10। एंड इसका फैब्रिक लाइक्रा है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक भी 10/10। सॉरी। सो इसका प्राइस है कुछ 260 or 280 समथिंग, जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसका प्रिंट देखिए, मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतने अच्छे फ्लावर्स देखिए, कितना अच्छा ब्राइट कलर्स हैं। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ कैमरे में देखने में ऐसा लग रहा है, सामने से भी बहुत ज़्यादा ही ब्राइट कलर, बहुत ही अच्छा प्रिंट लग रहा है इसका। एंड पार्टीज़ के लिए, बीचेस के लिए परफेक्ट है इस टाइप की ड्रेस। अगर आप लोग गोवा जा रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करिएगा। एंड आप इसको ऐसे इंडिविजुअल नहीं पहनना चाहते तो आप इसके इसको ऊपर ऐसे शर्ट पहन लीजिए, जस्ट श्रग। एंड आप स्पैग भी पहन लीजिए, आप इसको काफ़ी तरह से स्टाइल कर सकते हो, तो आप ज़रूरी ना आप ऐसे ही इसको वेयर करो। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आई हैव वाइट ड्रेस जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में बिल्कुल प्लेन ड्रेस है। ये कुछ इस तरह से है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है, आपको स्ट्रेप्स मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट एंड इसका स्लीव्स कुछ इस तरह से है। एंड ये इसका फ्लेयर है, फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं फ्लेयर बहुत अच्छा है। एंड इसके साथ आपको लिनिंग भी मिल जाती है वाइट कलर में, काफ़ी सॉफ्ट है, लाइक्रा फैब्रिक में है, काफ़ी सॉफ्ट है, नेट भी बहुत सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक नेट है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। एंड यहाँ वेस्ट पर आपको इलास्टिक मिल जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये आपको वेस्ट पर देखिए इलास्टिक मिल जाती है जिससे फिट काफ़ी अच्छा आता है, जिस तरह से है। इसका साइज़ मैंने M मंगाया था, M में मेरे को परफेक्ट फिट हुआ है, फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसका प्राइस है 269 रुपीज़, ये मिली थी मुझे 269 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी ड्रेस है, वन पीस है, इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे लाइक ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल, वाइट, येलो मैंने बोल दिया ऑलमोस्ट सभी शेड तो आपको मिल जाएंगे इसमें। एंड इसका मैं पर्पल ट्राई कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इस बार ही मैंने इसे ये वाइट मंगाया है। एंड जब भी मैंने इसको वेयर किया था तो इसके साथ ये इशू था,
कि ये ना बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है ये ड्रेस। इसमें लिनिंग दी हुई है बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी, तो जब भी आप इसको वेयर करो तो आपको इनर वेयर का काफ़ी ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप इसको मतलब नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था। बाकी काफ़ी अच्छी ड्रेस है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है एंड इसको आप वेयर कर सकते हो बर्थडेज में, पार्टीज में, तो अच्छी ड्रेस है, आप लोग देख सकते हो, बस आपको इनर वेयर का ध्यान रखना होगा। सो नेक्स्ट ड्रेस है ये जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड रियल में देखने में ये इसका फ्रंट है एंड ये इसका बैक है। गाइस ये नी लेंथ ड्रेस है, वी नेक में है, फुल स्लीव्स है एंड यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, वेस्ट पर भी इलास्टिक दी हुई है। ये ड्रेस देखकर ना एकदम से रिफ्रेशिंग फील दे रहा है क्योंकि इसमें इतने ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये फैब्रिक रियॉन है एंड इसका साइज मैंने एस मंगाया था, ये मेरे को परफेक्ट फिट हुआ है एंड इसका प्राइस ये मेरे को 352 रुपीज़ में मिली थी मेरे को ये ड्रेस एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डे आउट पर जाते हो, अपनी फैमिली के साथ नाइट आउट करते हो तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी और शूज़ के साथ अगर इसको आप वेयर करोगे बहुत कूल लगता है। आप मेरी इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो मैं स्टाइलिंग कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसको। सो नेक्स्ट मेरे पास एक और ड्रेस जो अगेन बहुत ज़्यादा ही रिफ्रेशिंग फील दे रही है, इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्काई ब्लू और ब्लू कलर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे पहले वाली ड्रेस में फ्लावर्स बने थे और इसमें पत्तियाँ बनी हुई हैं तो ये काफ़ी अच्छी ड्रेस लग रही है। ये इसका फ्रंट है एंड ये इसका बैक है कुछ इस तरह से, इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है आप लोग देख सकते हैं, इसके वेस्ट पर भी आपको इलास्टिक मिल जाती है एंड ये यहाँ पे स्ट्रेप्स दिए हुए हैं, एडजस्टेबल है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइट लूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ड्रेस है ये भी, इसका साइज़ मैंने आम मंगाया था, आम में मेरे को परफेक्ट फिट हुआ है, फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी एंड इसका फैब्रिक रियॉन है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कम्फर्टेबल है एंड इसका प्राइस है, इट कॉस्ट मी अराउंड 300 रुपीज़ में आपको मिल रही इतनी अच्छी ड्रेस एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि आप इसको काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते वेयर कर सकते हो, लाइक आप इसको सिंगल तो वेयर कर ही सकते हो बट आप नहीं चाहते हो ऐसे वेयर करना तो आप इसको डेनिम के साथ पहन लो। मैंने इसको एज अ सूट भी वेयर किया हुआ, इसके साथ प्लाजो पहना है, कुछ सिल्वर ज्वेलरी पहनी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड अगर आप लोग वो देखना चाहते तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर जाना होगा तो मैं तो आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगी एंड और क्या ही चाहिए, एक सिंगल ड्रेस को आप मल्टीपल टाइम्स वेयर कर सकते हो और ऊपर से इतने अफोर्डेबल रेंज में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लास्ट में मेरे पास ये ड्रेस जो पिक्चर में देखने में ऐसी लग रही है एंड शेयर में देखने में, तो ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, राउंड शेप नेक इसका एंड यहाँ आपको इसे ये बेल्ट मिल जाती है जिसको आप टाइट वगैरह कर लो या फिर मैं तो इस तरह की बेल्ट को मोस्टली बालों में ही ऐसे पोनी बनाकर और ऐसे एज ए रिबन यूज़ कर लेती हूँ। बाकी ये इसके स्लीव्स हैं एंड इसमें आपको ऐसे अंदर लिनन भी मिल जाती है जो कि अटैच्ड है, इसका फैब्रिक है जॉर्जेट, इसका साइज मैंने एम मंगाया था, एम मेरे को सही फिट हुआ है एंड इसका प्राइस है कुछ 273 रुपीज़, हाँ तो ये मेरे को 273 में मिली है ये ड्रेस, बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी ड्रेस है। इसका प्रिंट देखिए तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये ड्रेस,
क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, कंफर्टेबल है, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है एंड आप इसको काफ़ी जैसे स्टाइल भी कर सकते हो, शूज़ के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो एंड हील्स के साथ, लाइक सभी पे ये जाने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परचेज है, तो आप लोग इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो ये थी आज के हॉल की लास्ट परचेज। आई होप आप लोगों को सारी ड्रेसेस पसंद आई हो एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अफोर्डेबल है बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टाटा।